फ्रेंड्स, अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करना है तो आपको वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, या फिर ब्लॉग्स बना सकते हो, या फिर ई कॉमर्स साइट के ऊपर में एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। उसके लिए आपको इमेजेस और वीडियोस फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करना होता है और उन कंटेंट को आप अपलोड करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी और एक तरीका है, जिस तरीके को कहते हैं या जो फॉर्म को कहते हैं ऑडियो क्लिप्स। जब हम ऑडियो क्लिप्स को, ऑडियो क्लिप मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करके, आप उस रिकॉर्डिंग को, ऑडियो क्लिप को जब अपलोड करते हो किसी वेबसाइट के ऊपर में, उसको कहा जाता है पॉडकास्ट। दोस्तों, पॉडकास्ट जो है दुनिया भर में सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के टाइम पर। पिछले कुछ सालों में इंडिया में इसका 60% से ज्यादा ग्रोथ मिल चुका है। सो दोस्तों, क्या है पॉडकास्ट और कैसे यूज करते हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर उन्हें आप जादूगर भी कह सकते हैं, जिनका नाम था स्टीव जॉब्स, उन्होंने पॉडकास्ट का लॉन्च किया 2005 में। Now we recently announced something new for iTunes and iPod, and it's called podcasting. As you know, the podcasting phenomenon is exploding right now. iPod का पॉड और ब्रॉडकास्टिंग का कास्ट, इन दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने लॉन्च किया था पॉडकास्ट। And podcasting, of course, is a concatenation of iPod and broadcasting. उसके बाद से 2014 तक अच्छा ग्रोथ नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन 2014 में US में कुछ थ्रिलर बेस्ड या हॉरर बेस्ड शोज पॉडकास्ट के ऊपर में लॉन्च किए गए, और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। 30 मिलियन पॉडकास्ट क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों आज तक, और US का 50% पॉपुलेशन पॉडकास्ट एवरी डे बेसिस पे सुनता है। 2018 तक इंडिया के 4.5 करोड़ लोग पॉडकास्ट सुना करते थे, और 60% ग्रोथ के साथ में 2023 तक इंडिया के 17.5 करोड़ लोग सुनना करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया का जो 5,000 करोड़ प्लस का बिजनेस हुआ करता था 2018 में, वो 2023 तक 10,000 करोड़ का होने वाला है। सो दोस्तों, पॉडकास्ट के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने अनाउंस किया था कि गूगल के अल्गोरिदम्स अब कीवर्ड इंडेक्सिंग की तरह पॉडकास्ट इंडेक्सिंग भी करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर में कीवर्ड की तरह आपके पॉडकास्ट भी रैंक करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए गूगल ने आपका खुद का ऐप भी लॉन्च किया है गूगल पॉडकास्ट के नाम से। सो दिस इज इनिशिएटिव फ्रॉम गूगल। फ्रेंड्स, चलो कंपैरिजन कर लेते हैं यूट्यूब को पॉडकास्ट के साथ में। यूट्यूब में वीडियो फाइल्स अपलोड होते हैं, पॉडकास्ट में ऑडियो फाइल्स अपलोड होते हैं। यूट्यूब का कंटेंट का लिमिट जो है 10 से 15 मिनट के वीडियो ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं, पॉडकास्ट आप घंटों सुना करते हो। यूट्यूब के वीडियोज आप हमेशा नहीं सुन सकते हैं, आपको एक जगह रुकना होगा, लेकिन आप पॉडकास्ट ड्राइविंग करते वक्त, जिम करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त भी सुन सकते हो। दोस्तों, दोनों भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमा सकते हो। फ्रेंड्स, चलो समझते हैं रेडियो और पॉडकास्ट का डिफरेंस। दोस्तों, रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर में चलता है, और पॉडकास्ट के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। दोस्तों, रेडियो का जो रीच होता है वो लिमिटेड होता है, जैसे मुंबई का कॉन्टेंट या रेडियो चैनल पुणे में नहीं सुना जा सकता है, और पुणे का रेडियो चैनल दिल्ली में नहीं सुन सकते हैं। लेकिन पॉडकास्ट के चैनल्स आप कहीं पर भी, कभी भी, किसी टाइम पे भी सुन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, रेडियो के जो शोज होते हैं उनका कॉन्टेंट लिमिटेड होता है, जैसे फिल्म से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लेकिन पॉडकास्ट में अनलिमिटेड कंटेंट होता है दोस्तों, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर में बात कर सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो। रेडियो के कंटेंट को रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी की हिसाब से, पॉडकास्ट के कंटेंट को अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है दोस्तों। तो जाइए दोस्तों, पॉडकास्ट यूज कीजिए। फ्रेंड्स, पॉडकास्ट शुरू करने के लिए आपको 3 बेसिक चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, वेल डिफाइंड नीश, जहां पर आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर सको। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉडकास्ट के रिकॉर्डिंग में कितने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, सोलो करने वाले हो या फिर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर के साथ में रिकॉर्डिंग करने वाले हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, माइक। आपके पास में अच्छा माइक होना चाहिए, जहां पर आप रिकॉर्डिंग और उसके वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर में ध्यान दे सको। फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कौन से वो फ्री प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप अपना करियर पॉडकास्ट के ऊपर में शुरू कर सकते हो। दोस्तों, जैसे मैंने ब्लॉगर में भी कहा था ब्लॉगिंग करते वक्त कि blogger.com और वर्डप्रेस के ऊपर में आपने एज अ बिगनर शुरू करना चाहिए, और जैसे ही आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हो चुके हो या फिर आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो, तो आपने अपना खुद का डोमेन और होस्टिंग लेना चाहिए।
उसी तरह से पॉडकास्ट के ऊपर में भी आप अपना करियर फ्री प्लेटफॉर्म के साथ शुरू करके पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर में ट्रांसफर हो सकते हो। तो ऐसे कौन से वो फ्री प्लेटफॉर्म से, चलो देखते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको लेके आया हूँ मेरे ब्लॉग के ऊपर में, यहाँ पर पॉडकास्ट के ऊपर में कंप्लीट ब्लॉग लिखा गया। अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो ये हिंदी में ब्लॉग है, आप पढ़ सकते हो और इस ब्लॉग के थ्रू आप अपने आंसर्स को ढूंढ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने वो 5 प्लेटफॉर्म्स भी दिए हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के यूज़ करके आप अपना पॉडकास्ट का करियर एज अ बिगनर शुरू कर सकते हो। तो फर्स्ट है बजस्प्राउट, जहाँ पर ये फ्री है, यहाँ पे पॉडकास्ट फ्री में अपलोड कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपको $12 पर मंथ पे करना होगा। दूसरा है दोस्तों सिंपल कास्ट, यहाँ पर आप अपने पॉडकास्ट अपलोड कीजिए, अगेन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपको $15 पर मंथ पे करने होंगे। तीसरा मेरा पर्सनल फेवरेट है दोस्तों, क्योंकि ये एंटायरली फ्री है, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है और यहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग इंजन के साथ में इंटीग्रेट करके आप पैसे अर्न करना शुरू कर सकते हो एंकर के ऊपर में। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इजीली अवेलेबल है और आप इसके ऊपर में बहुत इजी तरीके से आप अपने पॉडकास्ट अपलोड कर सकते हो। तीसरा है दोस्तों पॉडबीन, पॉडबीन भी फ्री में अवेलेबल है, पॉडकास्ट अपलोड कीजिए और $9 पर मंथ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए पे करना शुरू कीजिए। और पांचवा है पॉडियंट, ये भी फ्री है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए $12 पर मंथ पे करना होगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है दोस्तों एंकर। फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में आ रहा होगा किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा आपको और उस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से अपलोड करते हैं पॉडकास्ट को, किस तरह से क्रिएट करते हैं अकाउंट को, किस तरह से उसका SEO करते ताकि आप सर्च इंजन के ऊपर में रैंक कर सको, उसका एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं ताकि आप ऑडियो फाइल्स म्यूजिक किस तरह से ऐड कर सको, और फाइनली आप एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ में इंटीग्रेट करके रेवेन्यू जनरेशन कैसा कर सको। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में एडवांस में इंटीमेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।